पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई, शहर के सिंधी मोहल्ले के एक व्यक्ति को 1 किलो गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। कार्य में अनियमितता के आरोप में पंचायत समन्वयक अधिकारी और सहायक ग्रेड 2 निलंबित। सीएचएमओ कार्यालय परिसर से अतिक्रमण हटाकर फेसिंग करने के कलेक्टर ने दिए आदेश। खाद्य विभाग की कार्यवाही में 3 दुकान सील, 118 खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूने। किसान दिवस पर किसानों की सरकार से समर्थन मूल्य पर बोनस देने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने नगर के सिंधी मोहल्ला वार्ड नंबर 19 में छापा मारकर एक मकान से 1 किलो 300 ग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा की कीमत 13,000 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार व्यक्ति प्रशांत पिता बसंत सह परिहार 21 वर्ष वार्ड नंबर 19 सिंधी मोहल्ला निवासी को 23 नवंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बालाघाट नगर में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के चलते प्रशांत परिहार अपने घर में मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से रखकर बिक्री कर रहा था। प्रशांत परिहार के इस अवैध कारोबार की सूचना मुखबिर द्वारा कोतवाली पुलिस को मिल रही थी। 22 दिसंबर को दोपहर में कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि प्रशांत परिहार हाल ही में भारी मात्रा में गांजा अपने घर में रखा हुआ था। इस सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव, थाना प्रभारी MR रोमड़े ने अपनी टीम के साथ सिंधी मोहल्ला में घेराबंदी कर प्रशांत परिहार के घर में छापामार कार्रवाई की। तलाशी के दौरान एक पॉलीथिन में रखा 1 किलो 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा पाया गया। इस गांजा को घर में अवैध रूप से रखने के आरोप में प्रशांत परिहार को धारा 8/30 NDPC एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसे थाने लाकर गांजा के अवैध कारोबार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने 22 दिसंबर को रानी अवंतीबाई चौक के समीप स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया और वहां पर बनने वाले GNM छात्रावास के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गुजरी की ओर से जाने वाली सड़क की सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर बालाघाट के पुराने एवं जर्जर हो चुके अनुपयोगी भवनों को तोड़कर उसके स्थान पर 240 बेड का GNM छात्रावास बनाया जा रहा है। इसके साथ ही चर्च के सामने स्थित पुराने आबकारी कार्यालय के स्थान पर GNM प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इन भवनों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बनाया गया है। GNM छात्रावास एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 10,52,00,000 रुपए की प्रशासकीय मंजूरी दी गई है। कलेक्टर श्री आर्य ने सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से कहा कि वे शीघ्र अपनी दुकानों को हटाकर गुजरी की ओर जाने वाली सड़क के दूसरी ओर शिफ्ट कर लें। सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स में किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं लगेगी। उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि वे गुजरी की ओर जाने वाली सड़क की निर्धारित सीमा के बाद तार की फेसिंग करवाएं। ये
21 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 16 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 20 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 21 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 2916 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2758 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 130 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 35 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर को बालाघाट जिले के 16 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी का 70 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 30 की 20 वर्षीय युवती, वार्ड नंबर 32 की 35 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 27 की 62 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 1 बूढ़ी का 39 वर्षीय पुरुष, किरनापुर तहसील के ग्राम पार्डी के 47 वर्षीय व 28 वर्षीय पुरुष, खैरलाजी का 27 वर्षीय युवक, 38 वर्षीय पुरुष, मोहाड़ी का 36 वर्षीय पुरुष, लांजी तहसील के ग्राम घनसा का 15 वर्षीय युवक व 35 वर्षीय पुरुष, बालाघाट तहसील के ग्राम सोनखार का 87 वर्षीय पुरुष व 35 वर्षीय महिला, ग्राम घुनाड़ी के 47 वर्षीय व 51 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। जिले के उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम पौड़ी खेत में इसी ग्राम के चरवाह की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक रामलाल पिता विष्णु बघारे 60 वर्ष की लाश उकवा पुलिस ने बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामलाल बघारे मवेशी चराने का काम करता था, जिसके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। सभी खेती मजदूरी करते हैं। बताया गया है कि 18 दिसंबर को सुबह रामलाल बघारे गांव के मवेशी चराने ले गया था, जो शाम को घर वापस नहीं आया। परिजनों ने रामलाल की खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। 20 दिसंबर की शाम ग्राम पौंडी के मेहतरलाल के खेत में रामलाल बघारे की लाश पाई गई। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता एवं लापरवाही बरतने और निरंतर अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर उमा माहेश्वरी की अनुशंसा पर कलेक्टर दीपक आर्य ने जनपद पंचायत परसवाड़ा के पंचायत समन्वय अधिकारी मानिक राम चौधरी और जनपद पंचायत खैरलांजी के सहायक ग्रेड 2 PR शरणागत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जनपद पंचायत परसवाड़ा के पंचायत समन्वय अधिकारी मानिक राम चौधरी के 13 अगस्त 2019 से लगातार अपने कार्य से अनुपस्थित रहने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इस तरह से जनपद पंचायत खैरलांजी के सहायक ग्रेड 2 PR शरणागत द्वारा मध्य प्रदेश भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल योजना के अंतर्गत श्रमिक पंजीयन में भारी अनियमितता की गई। उनके द्वारा श्रमिक पंजीयन एवं विवाह सहायता के प्रकरणों में बरती गई लापरवाही के कारण 70 हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा है। श्री शरणागत को 2 बार कारण बताओ नोटिस देकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिस कारण दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने 22 दिसंबर को जिला कोविड कंट्रोल एवं कमांड कॉल सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने शासन के नियम के अनुसार कोरोना पॉजिटिव 60 वर्ष से अधिक की उम्र के मरीजों को होम आइसोलेशन में नहीं रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जिन्हें स्पष्ट कर दिया गया कि 60 वर्ष से अधिक की उम्र के मरीजों को होम आइसोलेशन में नहीं रखा जाए। वहीं दूसरी ओर जिले के भीतर कोविड के लिए करवाए जा रहे सभी कार्य की जानकारी दी गई। नगरीय क्षेत्र बालाघाट में संचालित लक्ष्मी बेकरी, साबजी किराना और हरि ओम डेयरी द्वारा अपर कलेक्टर कोर्ट बालाघाट द्वारा अधिरोपित जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर प्रतिष्ठान को सील किया गया। इस कार्यवाही के दौरान विभाग द्वारा 38,000 रुपए की जुर्माना राशि की वसूली की गई। इसके साथ ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों वैशाली राजपुरोहित स्वीट, आनंद मिष्ठान भंडार, इंदौर स्वीट्स, JD स्वीट्स, मधुर कलश स्वीट्स, राजपुरोहित स्वीट्स,
सती माता वैशाली स्वीट्स, अरिहंत डेयरी, कृष्णा डेयरी से विभिन्न मिठाइयों, नमकीन, मावा, पनीर, दूध, दही आदि के 118 नमूने जांच के लिए लिए गए। इस कार्यवाही के दौरान 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए 9 प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना का नोटिस जारी किया गया। वारासिवनी नगर में स्थित पवार मंगल भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में मंगलवार को आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को लेकर और स्थानीय मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद बाइक रैली निकालकर सभी उपस्थित जन तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया। बैठक के बाद पवार मंगल भवन से सिविल क्लब मैदान तक बाइक रैली निकाली गई और सिविल क्लब मैदान से सभी कृषक पैदल तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के लिए गए हुए थे, जहां पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर तहसीलदार राजेंद्र टेकाम के द्वारा ज्ञापन लेने के लिए सामने आया गया तो उपस्थित जनों के द्वारा उनका विरोध करते हुए एसडीएम को ज्ञापन देने की बात कही गई और कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके थोड़ी देर बाद अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह आए। पूरे देश का किसान परेशान है, पीड़ित है, और अभी जो किसानों की उपज जो खरीदी जा रही है उसमें एफएक्यू मापदंड, तो वो फला थ्रेसर की कटाई का जो धान आता है उसको नहीं, मैसेज नहीं आ रहे हैं एक दिन में लाओ, ये सब संभव नहीं है। अनेक ऐसी और अभी जो संसद में कानून पास हुए हैं उसका भी विरोध हो रहा है, कल एमएसपी खत्म हो जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जब घोषित हो करती सरकार, किसान उसके नीचे कोई भी उपज उसकी नहीं बिकनी चाहिए। यदि कहीं व्यापारी खरीदता है कम लागत से, कम मूल्य से, तो उसको सरकार ने भावांतर की राशि देना चाहिए। ये बहुत सारी हमारी मांगे हैं और इस पर यदि मान के चलो कि सरकार गौर नहीं करती तो ये आंदोलन और उग्र होगा, पूरे जिले के किसानों को दिल्ली कुछ करना पड़ेगा। और जो हमारे भाई वहाँ हरियाणा और पंजाब में जो ऐसे बॉर्डर पे बैठे उत्तर प्रदेश किसान है, उनको हमको संबल देना पड़ेगा, उनको साथ देना पड़ेगा और उनके नेतृत्व में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति देश की है उसको देखते हुए वाराणसी में किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया, उसके तहत समस्त क्षेत्र के किसानों को बुलाया गया और सबसे बड़ी बात इसमें कही ये कही गई है कि हमारे क्षेत्र के किसान कहीं ना कहीं भाजपा का किसान और कांग्रेस के रूप में बटा हुआ है, इसका कोई आंदोलन नहीं हो पा रहे थे। आज अच्छी बात थी कि उन्होंने पार्टी को दरगाह रखकर समस्त किसानों को जमा किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी किसानों ने जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है पिछले कई दिनों से उसको समर्थन किया है और सबने माना है कि जो संगठन रिपोर्ट की बात की केंद्र सरकार ने उसको लागू करने की, लागू नहीं की, उसको लागू किया जाए और तीनों जो कानून लाए गए बिना किसानों की मांग पर, अडानी, अंबानी और कॉरपोरेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, प्राइवेटीकरण करने के जो उद्देश्य सरकार का उसको उसके खिलाफ में, वो तीनों कानून को वापस लिया जाए। और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसको विरोध करते हैं और लोकल स्तर पर अभी देख रहे हैं, इसका लाभ किसानों को SMS नहीं आ रहे हैं, किसानों का धान नहीं उठ रहा है और गोदाम में जाने के बाद भी किसानों का धान उजट किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है लगातार शासन का। निश्चित ही शासन 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन धरातल पर किसान दिवस की जानकारी स्वयं किसानों को ही नहीं है। यह बड़ा कड़वा सच है कि जिनके लिए दिवस मनाया जा रहा है उन्हें ही इस विषय में जानकारी नहीं है। पद्मेश 24/7 ने ऐसे ही करीब आधा दर्जन से अधिक किसानों से चर्चा की। इस दौरान हमें एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसे इस बारे में जानकारी हो कि 23 दिसंबर को सरकार किसान दिवस मनाती है। आखिर किसान दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर किसानों को कोई भी जानकारी नहीं है। जब हमने किसानों से उनकी परेशानी जानने की कोशिश की और इस किसान दिवस के अवसर पर सरकार उनकी इस परेशानी को दूर करे, तो उनमें से कुछ किसानों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर बोनस दिया जाना चाहिए, पूर्व की सरकार के समय यह दोनों दिया जाता था। मेरी तो खेती 4 एकड़ करीब है, 4 एकड़ है तो जैसे 23 तारीख को किसान दिवस है जी, पता है आपको
नहीं, इसके बारे में नहीं पता था 23 तारीख का। अच्छा, तो किसानों को क्या होना चाहिए था, सरकार को क्या सोचना चाहिए था किसानों के लिए? समर्थन मूल्य जो है सरकार का रेट, उस रेट से धान खरीदी होना चाहिए। उस पर हम चाहते हैं कि जैसे अभी मान के 1867 रुपया मतलब समर्थन मूल्य है, तो उस पर बोनस देना चाहिए था, तो किसी 2000 के ऊपर धान जाना चाहिए था, तो वो नहीं जाता है क्योंकि किराया हमको ज़्यादा दे के लाना ले जाना पड़ता है, भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो उसके हिसाब से जो है तो रेट में और वृद्धि होना था। तो समर्थन मूल्य तो अच्छा मिल रहा है ना? समर्थन मूल्य ठीक है, लेकिन उसमें बोनस होना था ना, फिर बोनस नहीं। तो सरकार कुछ कर रही कि नहीं कर रही आप लोगों के लिए? अब कर रही क्या, इसमें जो है पिछले साल 1825 रुपये करीब धान था, इस साल 1868 रुपये हुआ है, लेकिन बोनस काट दिए। अब उसमें बोनस नहीं है तो 2.5 एकड़। अच्छा, आपको मालूम है 23 तारीख को क्या है? नहीं तो कोई मालूम नहीं। मालूम किसान दिवस है 23 तारीख को, और किसानों के लिए क्या करना चाहिए था सरकार को और क्या होना चाहिए? किसान के लिए ऐसा है कि देखो रेट अच्छा मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। तो बोनस मिलता था क्या पहले? हाँ मिला ना। कितने साल तक? नहीं, वो तीसरे साल मिला गया था बोनस, 2-3 साल दिया है बोनस, फिर बंद कर दिया। अच्छा, अभी जो समर्थन मूल्य जो है 1868 जो बता रहे हैं, और अपनी कितनी लागत लग जाती है? समर्थन मूल्य सही मिल रहा है या और इससे बढ़ के मिलना चाहिए? लागत के मान से तो कुछ नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा लागत क्या पता है, ढुलाई उलाई दुनिया भर का तो है। व्यापारी से तो अच्छा मिल रहा है? हाँ ठीक मिल रहा है व्यापारी से। व्यापारी को बेचो तो बहुत कम मिलता है पैसा। हाँ कुछ भी नहीं, उनको तो कोई फायदा नहीं है फिर किसान। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि समर्थन मूल्य और मंडी में एक समान दाम मिले, जिससे किसान अपनी मर्जी के अनुसार धान का विक्रय कर सके, क्योंकि समर्थन मूल्य पर धान बेचने पर उन्हें भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। क्या लेकर के आए थे यहाँ पर आप? धान लेकर के आए। धान लेकर के आए थे। अच्छा, आपको मालूम है 23 तारीख को क्या है? 23 तारीख को तो मालूम भी है क्या है, किसान दिवस है जी, है ना। और आप एक किसान हैं, कितने एकड़ के किसान हैं आप? 1 एकड़ के। 1 एकड़ के कितना लाभ मिल जाता है आपको 1 एकड़ में? अभी तो लाभ को समझ नहीं आ रहा, भैया ना बिल्कुल बराबर ही होता है। क्या होना चाहिए किसानों के लिए? रेट है ना बढ़ना चाहिए, वैसे रेट कम है, सोसाइटी का तो लगभग ठीक है, लेकिन मंडी में लगाव तो कम है। कितना मिल रहा है मंडी में? क्या है 1300-1400 रुपये क्विंटल के ऊपर। मंडी में भी वही रेट होना चाहिए? मंडी में, हाँ मंडी में वही रेट मिलना चाहिए जो सोसाइटी दे रही है। इतनी मुश्किल पड़ती कि इन्हें धान पकाना बड़ा मुश्किल हो गया है, अगर पकाए भी मान लो तो इन्हें इसकी कीमत नहीं मिल रही है, लागत भी बहुत लगती है। लागत भी बहुत लगती है ना। सरकार को क्या? इस दौरान किसानों ने बताया कि वह खेती करने से परेशान नहीं है, वह सबसे ज़्यादा अधिक परेशान दिखाई दिया तो प्राकृतिक आपदा से, जिस पर सरकार उसे मुआवजा समय पर और उचित नहीं देती। यहाँ ये होना चाहिए कि दवाओं का जो रेट बढ़ा हुआ है वो कम होना चाहिए। पहले किसान जो किसानी करता है उस हिसाब से लागत जो लगाता है उस हिसाब से निकलती नहीं। सोडे का रेट बढ़ गया है, दवाइयों का रेट बढ़ गया है, और समर्थन मूल्य और बढ़ना चाहिए। जो मिलता है वो भी काफ़ी नहीं है। वो भी काफ़ी नहीं, उसमें भी बराबर है जीरो घाटे में किसान। बारिश आई, धान सड़ गई, पोंगा निकल गया, तना छेदक लग गया, उपटा लग गया। किसानों के लिए सरकार कुछ नया करना चाहिए। नया का मतलब कि जो धान पंजीयन हो रहा है बहुत कम भी हो रहा है, और लागत बहुत ज़्यादा लग रही है खेती में। लागत के हिसाब से रेट भी नहीं मिल रहा है, व्यापारी तो बिल्कुल रेट दे नहीं रहा है। सरकार भी जो दे रही है तो अपने मूलधन पर खरीद रही है। जो पंजीयन 20-22 का आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, 18 क्विंटल के नीचे आ रहा है, किसी को 15 का आ रहा है। बहुत परेशानी आ रही है, किसी की धान नहीं आ रही लगभग। किसानों का विकास हो रहा है कि नहीं? किसानों का तो विकास नहीं है, सरकार भी नहीं है साथ में विकास के नाम पे। समर्थन में भी रेट बहुत कम ज़्यादा होना चाहिए। सरकार तो योजनाएं बनाती है ना भैया? योजना बन जरूर रही है सरकार की, पर हम किसान तक पहुँच नहीं पा रही। नहीं पहुँच ही नहीं पा रही। अब मान लो एक गांव में 100 किसान किसी दो को मिलके तो योजना का लाभ किसको मतलब दो ही को है क्या? किसान को हर किसी को मिलना चाहिए ना।
इस निगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिविटी भी दिखाई दी जब एक कृषक ने कहा कि किसानों को बहुत अधिक सुविधा मिल रही है, सरकार सोसाइटियों के से खाद और बीज दे रही है, वहीं दूसरी ओर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है और सरकार अपनी ओर से और क्या करेगी। किसानों को भी खेती के साथ साथ खेती से जुड़े हुए कार्य, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन सहित ऐसे कुछ काम करने होंगे, इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकेगी। किसानों की सोचना चाहिए, उनकी खरीद उनके धान का मतलब जींस के रेट बढ़ना चाहिए। अभी जैसे 1868 तो कम से कम 2500 रुपये पर कुंटल होना चाहिए। तब ये फायदे का धंधा होगा, लागत अधिक लग रही है। और पहले क्या कितना नुकसान हो जाता था किसानों को? नुकसान तो अभी भी हो रहा है, पहले भी होता था, मगर कम होता है नुकसान, ज़्यादा ऐसा नुकसान तो होता नहीं। और अभी जैसे किसान सम्मान निधि वगैरह जो मिल रही है किसानों को, वो लाभदायक है कि नहीं है? बिल्कुल है। और सोडा वोडा का रेट कैसा मिल रहा है किसानों को? खाद का रेट तो सब्सिडी के हिसाब से मतलब समथिंग ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। बाकी क्या होना चाहिए था किसानों के लिए? किसानों के जींस के रेट बढ़ना चाहिए। ये दुनिया भर के जो मतलब आपको 10,000-20,000 क्या क्या सब दे रहे हैं, मैं तो इसके बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं बड़ा किसान हूँ तो मुझे मिलता ही नहीं इसका बेनिफिट। तो ये किसानों के जींस के रेट बढ़ जाए, ये 2,000 और 6,000 जो मिल रहा है प्रधानमंत्री वाला, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। और बोनस वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोनस तो नहीं है। कब से नहीं मिल रहा है बोनस? बोनस तो 2 साल हो गए। क्यों क्यों नहीं मिला? पहले तो मिलता था। पड़ोसी राज्य मतलब महाराष्ट्र में बोनस मिल रही है, तो यहाँ पर भी बोनस मिलना चाहिए। दर्द है किसानों को, बोनस बहुत दर्द है। निश्चित ही शासन इस बार भी 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएगी। उम्मीद यह है कि इस बार जो किसान दिवस मनाया जाएगा, इस बारे में किसानों को जानकारी मिलेगी। यह किसान दिवस के अवसर पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जो किसानों के हित में लिया जाएगा और किसान इस फैसले के आधार पर यह लाभ उठा सकते हैं। तो यह थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।